नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। यूपी के फतेहपुर जिले में एक सरकारी स्कूल शराबियों का अड्डा बन गया है। दरअसल यहां एक बारात के ठहरने का इंतजाम किया गया था, लेकिन यहां बारातियों ने जमकर शराब पार्टी की और बार बालाओं ने भी ठुमके लगाए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और आपने भी कई शादियां अटेंड की होंगी, लेकिन यूपी के एक शादी समारोह का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यहां एक सरकारी स्कूल में बारातियों ने खूब दारू पार्टी की और बार बालाओं ने भी जमकर ठुमके लगाए। मामला फतेहपुर जिले में किशनपुर थाना क्षेत्र के गाँव इटौली का है। यहाँ एक लड़की की शादी थी और बारात के ठहरने का इंतजाम गाँव के सरकारी स्कूल में किया गया था। इस दौरान शादी समारोह में ही बार बालाओं का डांस हो रहा था, तो बारातियों ने स्कूल में ही दारू पार्टी करना शुरू कर दिया। खूब बार बालाओं के ठुमके पर जाम छलकाया गया, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो वो विरोध करने स्कूल पहुंच गए और इस तरह के कार्यक्रम को रोकने के लिए आवाज उठाने लगे। इस दौरान हंगामा हो गया तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। शराब पीने और ग्रामीणों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। जब इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं लोगों का कहना है कि बिना अनुमति के सरकारी विद्यालय में बारात रोकी गई थी। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब सवाल उठता है कि बिना स्कूल प्रशासन की अनुमति के आखिर स्कूल में बारात कैसे ठहराई जाती है। ये विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही तो है ही, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।